यार कभी नोटिस किया है कि अगर आपकी एल्बो पे चोट लगे तो बहुत दर्द होता है, और अगर सेम जगह पे पिंच करो तो इतना दर्द नहीं होता, और सेम चीज आपकी नीज के साथ भी होती है, तो ये भेदभाव क्यों? लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों की, स्पेशली जो थोड़ा डार्क स्किन होते हैं, नीज और एल्बोज का स्किन कलर बाकी बॉडी पार्ट के स्किन कलर से थोड़ा डार्क ही रहता है, और खासकर विंटर्स में ये देखोगे कि इधर की स्किन काफी ड्राई भी हो जाती है। पर अब टेंशन नहीं बॉस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, हमारी एल्बो स्किन का सीन बाकी की स्किन से काफी डिफरेंट है। नेचुरली हमारी एल्बोज और नीज की स्किन थोड़ी थिक होती है ताकि वो ज्यादा प्रेशर झेल सके मूवमेंट का, प्लस यहाँ पे बोन्स के बीच में मसल्स कम होती है और नर्व एंडिंग ज्यादा। क्योंकि यहाँ जॉइंट्स का मूवमेंट ज्यादा है इसलिए यहाँ पे ज्यादा फोल्ड होते हैं जिससे कि मूवमेंट इजी हो जाए, और इन्हीं फोल्ड की वजह से यहाँ पे ज्यादा डर्ट और ड्राइनेस होती है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यूजुअल काम में, जैसे डेस्क पे बैठना, लैपटॉप पे काम करना या पढ़ाई करते हुए, या इवन हमारे फुल स्लीव्स के कपड़ों से भी, इस दौरान एल्बोज की स्किन कॉन्टिन्यूसली एक रबिंग या स्क्रबिंग से गुजरती है, और ओवर टाइम ये एरिया डार्कन हो जाता है, और तभी होती है प्रॉब्लम डार्क एल्बोज की। इसके ऊपर से अगर इस एरिया की प्रॉपर क्लीनिंग ना हो रही हो तो यहाँ पे डेड स्किन एक्यूमुलेट हो जाती है जिससे डार्क एल्बोज हो सकती है। तो ये तो थे कुछ कॉमन वेज जिससे डार्क एल्बोज हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको स्किन सेल के लेवल पे जाके देखें तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारी स्किन में होता है पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन, जिसकी अमाउंट पर ही हमारा स्किन कलर डिपेंड करता है। तो ओवर एक्सपोजर टू सन या ऐसी ही किसी सिमिलर कंडीशन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, जिसमें इसी मेलानिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। इनफैक्ट क्योंकि डार्क स्किन वाले लोगों की बॉडी में ये पिगमेंट भी ज्यादा होता है, तो उनको हाइपर पिगमेंटेशन के साथ साथ डार्क नीज और एल्बोज की प्रॉब्लम होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ये तो था अंदर का फंडा, लेकिन इस पे एक बात खास ध्यान रखनी चाहिए। अगर इस वीडियो में बताए हुए किसी भी सिचुएशन में आए बिना ही तुम्हारी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, तो चांसेस है कि कोई और स्किन कंडीशन हो रखी है, जैसे सोराइसिस और एक्सिमा। तो यार इसका बेस्ट सोल्यूशन तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही दे पाएगा। यार ये वर्ड सुन के ही बहुत टफ लग रहे हैं ना, यार इनकी एक्सप्लेनेशन तो रिलेशनशिप से भी ज्यादा सीरियस है, तो आप इधर से नहीं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ही जाके पता करो। डार्क एल्बोज और नीज को ठीक करने के सोल्यूशन की शुरुआत होगी कुछ प्रिकॉशंस के साथ, जैसे कोनी में भी जोर मत लगाओ और नीज में भी नहीं। जैसे नहाते समय वी टेंड टू रब आवर एल्बोज समटाइम्स विद लूफास टू, यार अपने आप करना इतना हार्ड होने की जरूरत नहीं है, चाहे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या फिर इससे बचना हो। Always wash it with plain soap and water, and then फिर प्यार से dry it with a towel, and then हमेशा बार बार लगातार moisturize it. Dark elbows से बचने के काफी simple तरीके हैं। Number one, moisturize. हमेशा अपनी elbows को clean और moisturize रखो। आपकी बाकी skin की तरह आपकी tough skin को दिन भर moisturize रखने के लिए उस्तरा के पास है उस्तरा heavy duty body lotion. ये एक non-sticky moisturizer है जिसमें है shea butter और vitamin E. नंबर टू, एक्सफोलिएट। हल्का एक्सफोलिएशन आपकी स्किन को भी चाहिए ही, तो उसे डेड स्किन से फ्री रखने के लिए यूज उस्तरा डी टैन क्रीम। नंबर थ्री, यूज अ सनस्क्रीन, अप्लाइंग सनब्लॉक बिफोर गोइंग इनटू द सन। देखो, जो चीजें मास्क से ब्लॉक हो जाएंगी उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा तो चाहिए ही, इसलिए यूवी रेस से अपनी स्किन को बचाए रखने के लिए यूज अ सनस्क्रीन, और सिर्फ बाहर जाने से पहले ही नहीं, इसको बाहर निकलने के बाद टाइम टू टाइम रीअप्लाई भी करना पड़ता है। कुछ सिंपल होम रेमेडीज भी है, जैसे कर्ड और टर्मरिक का लेप लगाना या पपाया और टर्मरिक का लेप लगाना। ये सारी घरेलू चीजों में एक्चुअली होता है लैक्टिक एसिड, जो एक नेचुरल लाइटनिंग एजेंट भी है। और हाँ, ये सारी घरेलू चीजों में टाइम और डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है, और रिजल्ट्स भी स्लो ही आएंगे, तो कोई मिरेकल्स तो मत ही एक्सपेक्ट करना भाई। तो अब समझ गए ना कि डार्क एल्बोज के पीछे सीन क्या है, तो चेकआउट करो ustra.com, और इसी तरह अपनी केयर के लिए कोई भी और टिप्स या प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमें फॉलो करो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विंटर केयर से रिलेटेड एक और खास बात के साथ।